अच्छा ये बताइएगा मुझे तनवीर भाई कि अभी आपने बताया कि मैं बाबर को हर फोरम पे, हर प्लेटफॉर्म पे, हर जगह जाके सपोर्ट करूंगा। नहीं, लेकिन जो उसकी गलत चीज होगी मैं उसको गलत बोलूंगा। मतलब अच्छी परफॉर्मेंस पे करेंगे जी, बिल्कुल। जहां गलत कोताही है वहां कोताही है। जहां वो एज अ ओपनर अच्छा नहीं खेल रहा था, स्ट्राइक रेट कम था, मैंने बोला यार आप अगर एज अ ओपनर आ रहे हैं तो आपको स्ट्राइक रेट अपना तेज करना पड़ेगा, आपको एक जेन्युइन ओपनर की तरह खेलना पड़ेगा। जहां आप गलती कर रहे हैं आप जरूर उसको, आप कप्तानी में जहां गलती कर रहे हैं बिल्कुल आपको जरूर बेहतर होने की जरूरत है। यार आपके दुनिया के बड़े से बड़े कप्तान कहते हैं कि तीन तीन चार चार साल अगर आपने किसी को कप्तानी पे लगाया है उसके बाद जाके वो एक चीज सीखना शुरू करता है। कोई पैदाइशी कप्तान नहीं होता भाई। एग्जैक्टली। सिर्फ कप्तान वो अच्छा होता है लाइक सरफराज। वो क्यों अच्छा कप्तान था, क्यों उसके बारे में कहते हैं? क्योंकि वो नीचे लेवल, ग्रास रूट लेवल से कप्तानी करता हुआ आया है। वो क्लब लेवल, अंडर 19, जूनियर लेवल, ये वो सब, तो वो नीचे से कप्तानी करता हुआ आया, तो उसको समझ थी कि यार मैंने पाकिस्तान टीम में कैसे कप्तानी करनी। कितना अरसा उसने अपने डिपार्टमेंट से, वो पीआईए से वो कप्तानी करता रहा। लेकिन जो जिस लड़के ने नीचे से कप्तानी नहीं की हुई होती वो तो पहली दफा आगे पाकिस्तान टीम में कप्तानी कर रहा है, प्रेशर बन जाए। बड़ा प्लेयर है, पहली दफा कप्तानी कर रहा है। बड़ा प्लेयर बनना, कप्तानी करना बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क। वो फिर आप टाइम से सीखते हैं भाई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।